पर देखा जा रहा है। और यहाँ पर बता दें कि वही व्यापारी अब सांसदों के घर धरना दे रहे हैं, सांसदों को सीलिंग की फीलिंग कराने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। रविवार को मीनाक्षी लेखी सांसद उनके घर पहुंचे, तो आज पहुंचे हैं सांसद प्रवेश वर्मा के घर। अब सांसदों को आप निशाना बना रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज करा रहे हैं कि सीलिंग का दर्द क्या होता है, दर्द पहुंचा? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, कल मीनाक्षी लेखी के यहाँ पे दर्द पहुंचा है हमने, और आज प्रवेश वर्मा जी के घर पे आए हैं। रोज सभी सांसद के आवास पे जाएंगे, क्योंकि एक साल हो चुका है, हजारों फैक्ट्रियां, दुकानें, प्रॉपर्टी सील पड़ी हैं, लेकिन हमारे सांसदों को आज तक कोई सीलिंग की फीलिंग नहीं हुई है, कोई दर्द का एहसास नहीं हुआ है। एक व्यापारी से पूछिए, एक उसके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी मजदूर से पूछिए कि जब किसी की रोजी रोटी छिनती है, जब उसकी दुकान पे ताला लगता है, तो क्या वो महसूस करता है? उसके सामने उसके परिवार के पालन पोषण का कितना बड़ा संकट खड़ा होता है। लेकिन हमारे सांसदों ने आज तक सीलिंग के मुद्दे पे कुछ भी नहीं किया, अपनी सरकार से नहीं बोला। अगर हमारे सातों सांसद गंभीर होते तो सीलिंग का मुद्दा एक दिन में हल हो जाता, लेकिन उन्होंने संसद में आज तक आवाज नहीं उठाई। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एमसीडी में बीजेपी है, अगर बीजेपी चाहे तो एक दिन में सीलिंग के मुद्दे। लग रहा है आप जिस तरह से ये सीलिंग को लेकर लगातार सांसदों के घर धरना दे रहे हैं, हल निकलेगा? बिल्कुल हल निकलना चाहिए, क्योंकि अब लोकसभा 2019 पास में है, शायद ये सुन ले। पिछले सवा साल से हम इनके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको कुछ राहत दे दो, अध्यादेश ले आओ, हमको सीलिंग से बचाओ, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। इससे अच्छा तो अंग्रेजों का राज था, वो तो ऐसे तंग नहीं करते थे जैसे इन्होंने कर दिया। रात को आप अगर बीडनपुरा में आओगे, हमारे स्वर्णकार भाई ऐसे बीडनपुरा छोड़ के भाग रहे जैसे पाकिस्तान से यहाँ पे छोड़ के आए थे, और यहाँ से जो छोड़ के रातों रात पाकिस्तान गए थे, वो माहौल बना दिया है। आज हमारे स्वर्णकार भाई सारे जो पार्क होते हैं वहाँ पर सोते हैं, वहाँ पर खाना बनाते हैं, छत पे सोते हैं, इतना ठंडा है मौसम, इतना ज्यादा ठंडा हो गया। आप भी चैनल में दिखा रहे हो कि 4 डिग्री टच कर गया, वहाँ पर कभी आओ, वहाँ पे दर्द तो देखो, वोट मांगने तक ये सरकार कैसे, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी इसे सब देख रही है। देखिए, केंद्र सरकार निश्चित रूप से कर सकती है बिल लाके। आपको बताऊं, तमिलनाडु में एक जल्लीकट्टू त्योहार है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगवाई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उलट जाते हुए अपना कानून बना के उस त्यौहार को चालू किया। पिछले दिनों SC ST एक्ट पे आप देख सकते हैं किस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे केंद्र सरकार का अलग रुख था। तो केंद्र सरकार अगर चाहे तो कर सकती है, सारी शक्तियां उसके पास है। एक विधेयक, एक बिल पारित करना है सीलिंग रोकने के लिए और सील दुकानों को डीसील कराने के लिए। निश्चित रूप से केंद्र सरकार चाहे तो राहत दे सकती है। अब आप लोग आके अपना ये प्रदर्शन किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? प्रदर्शन बढ़ाएंगे आगे। अब कल हम उदित राज जी के घर पे जाएंगे, परसों मनोज तिवारी जी के घर पे जाएंगे। हमारा काम है लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना, जो हम कर रहे हैं। हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है अपना लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन विरोध करने का। चलिए, तो अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर तमाम यहाँ जो व्यापारी हैं अब हर एक दिन दिल्ली के सातों सांसद के घर पहुंचेंगे। आज सांसद प्रवेश वर्मा के घर पहुंचे हैं और सीलिंग को लेकर, सीलिंग की फीलिंग उन्हें कराने के लिए ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमरामैन ललित के साथ पूजा राठौर, शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।